अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड हाय एवरीवन। बहुत टाइम गुजर चुका है किसी वीडियो को पोस्ट किए हुए। आज बहुत टाइम बाद ख़ास तौर पे गीता और जैनब के बहुत ज़्यादा कहने पर मैंने ये वीडियो पोस्ट किया है। वो लोग मुझे बहुत बार कह चुकी हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब लोग ठीक होंगे और यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबको हिफाजत में रखे और इस बीमारी से हमको जल्द से जल्द निजात दे। अब तो मैं सऊदी में आ चुकी हूँ और जो पहले वाला वीडियो था वो मैं जब आई थी लॉकडाउन के पहले का था। उसके बाद में भी बस लाइफ तो वैसी ही रूटीन चल रही है जैसे पहले चला करती, उसी में बिज़ी, कुछ ख़ास नया नहीं है। और घर से बाहर तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी जब कोई ज़रूरत आए तभी, काफ़ी दिन हो जाती है कुछ सामान लेना हो तो तब बाहर मेरे हस्बैंड ही जाते हैं और मुझे तो बाहर निकले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। गवर्नमेंट तो बहुत कोशिश कर रही है सब कुछ कंट्रोल करने की और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस भी लिए हैं। डोर टू डोर चेक होने लगा है इसलिए पेशेंट थोड़े ज़्यादा निकल रहे हैं, पर उम्मीद है इंशाल्लाह सब कुछ बहुत जल्द ही ख़त्म होगा यहाँ इंडिया हर जगह। और हम लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि हम गवर्नमेंट है या जो भी इसमें आगे काम कर रहे हैं तो हम लोग भी सपोर्ट करें, बाहर ना निकले, घर में रहें जब तक के बहुत इमरजेंसी ना हो। आजकल बिज़नेस वगैरह सबके बंद है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उन लोग की है जिनके घर में खाने के लिए भी नहीं है। तो यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने घर से थोड़ा सा किसी के लिए हाथ बढ़ा दीजिए, थोड़ी हेल्प कर दीजिए कि किसी के घर में भी खाना हो और कोई भूखा ना सोए। आसपास के लोग में देख लीजिए कि आप किसको हेल्प कर सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि कौन है क्या है, इंसान ही इंसान की मदद करेगा और कौन करेगा। और अपने हाथ वगैरह अच्छे से साफ़ किया करें, हैंड वॉश यूज़ करें, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें। हम लोग तो यहाँ यूज़ कर ही रहे हैं। ज़रूरी है कि मास्क आप लगा के ही जाए हैं, ग्लव्स वगैरह पहने और हैंड सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसे भी यूज़ कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना खूब ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह से दुआ करें। टेल देन, टेक केयर, अल्लाह।